बात करेंगे सरायपाली की, जहां पर लग्जरी कार से गाजा तस्करी करते महाराष्ट्र के चार अंतर्राज्यीय तस्करों को सिंघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 40 किलो गांजा के साथ कार और मोबाइल भी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा सिंघोड़ा के रास्ते महाराष्ट्र ले जाने की तैयारियां हैं। इसके बाद सिंघोड़ा पुलिस ने नेशनल हाईवे 53 पर नाकेबंदी कर दी। इस बीच ओडिशा के वाहन की तलाशी लेने पर पीछे डिक्की से दो प्लास्टिक बोरियों में भरा हुआ 20-20 किलो गांजा मिला हुआ है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपियों के कब्जे से कार जब्त, मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट ग्राम रेटीपोल नाका पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उड़ीसा तरफ से एक इनोवा गाड़ी आई जिसमें चार लोग सवार थे, जिनसे नाम पता पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगे, जिसके शक होने पर गाड़ी की चेकिंग की गई। चेकिंग दौरान गाड़ी की डिक्की में 40 केजी अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसे वैधानिक कार्रवाई करते हुए NDBS की धारा 20 खा के तहत कार्रवाई की गई है और चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर